पब्लिक टीवी आपकी आवाज। इमरान खान ने पाकिस्तानी संसद में कहा है अभिनंदन जी को कल भारत वापस भेजा जाएगा। ये एक अच्छी न्यूज है, इस टॉपिक पर आपको डिटेल्स में बताऊंगा। कल बहुत सारे पाकिस्तानी बोल रहे थे इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के F-16 को मार गिराने की क्या प्रूफ है। लास्ट में प्रूफ के साथ उन लोगों को जवाब दूंगा और पाकिस्तान की झूठ को बेनकाब करूंगा, तो आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए। पाकिस्तान अभिनंदन जी को छोड़ने के पीछे दो कारण है, एक है जेनिवा कन्वेंशन, दूसरा है इंडियन आर्मी से डर। पहले आता हूँ जेनिवा कन्वेंशन के ऊपर। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने दावा किया है कि अभिनंदन जी उनके कब्जे में हैं और उनके कुछ फोटोज और वीडियो भी जारी किए। विंग कमांडर अभिनंदन जी का वर्तमान के वीडियो को पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया, जो जिनीवा कन्वेंशन का खुला उल्लंघन है। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही युद्ध ना छिड़ा हो, फिर भी अभिनंदन उन सभी अधिकारों के हकदार है जो जिनीवा कन्वेंशन के तहत प्रिजनर ऑफ वार को यानी एक युद्धबंदी को मिलती है। प्रिजनर ऑफ वार के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, इसके बारे में 1949 का जिनीवा कन्वेंशन साफ साफ कहता है कि ये उन्हीं सभी मामलों में लागू होता है, चाहे घोषित युद्ध का मामला हो या नहीं। इस तरह पाकिस्तान को विंग कमांडर अभिनंदन जी को हर हाल में छोड़ना ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने भी जिनीवा कन्वेंशन पर दस्तखत किए हैं। भारतीय युद्धबंदियों के साथ पाकिस्तान के व्यवहार का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। 1999 के कारगिल संघर्ष के दौरान इंडियन एयरफोर्स के पायलट अजय आहूजा अपने विमान से सुरक्षित कूद चुके थे। भारत का दावा है कि पाकिस्तानी सेना ने उनकी हत्या कर दी थी। इसी तरह एक और पायलट नचिकेता को भी पाकिस्तानी सेना ने अगवा कर लिया था। हालांकि बाद में जिनीवा कन्वेंशन को लेकर भारत के दावे के बाद पाकिस्तान को आखिरकार 8 दिनों के बाद नचिकेता को भारत को लौटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1971 में हम पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिक पकड़े थे, एक भी सैनिक को हमने मारा नहीं था। उनको जंग खत्म होने के बाद सही सलामत पाकिस्तान भेज दिए। जनरल नाजी को तो बांग्लादेश जनता मारना चाहती थी, फिर भी हमारी सेना ने ऐसा नहीं करने दिया। एक किस्सा सुना रहा हूँ 71 जंग की। तब की टाइम में इंडियन आर्मी चीफ साम मानिकशॉ खुद गए थे जहाँ पाकिस्तानी सैनिक बंदी अवस्था में थे, ये पूछने के लिए उनका खाना सही टाइम में मिल रहा है कि नहीं, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं। तब एक पाकिस्तान के सैनिक उनको बोला था, सर आप दुश्मन देश के आर्मी चीफ होके भी हम जैसे साधारण सैनिकों के हालात के बारे में पूछ रहे हो, हमारे खुद के ऑफिसर भी हमारे बारे में कभी नहीं पूछा। आप सोच सकते हैं हमारा आर्मी और पाकिस्तान के आर्मी में क्या फर्क है। अब आता हूँ जिनीवा संधि के ऊपर। जिनीवा संधि के तहत युद्धबंदियों को ना तो डराया धमकाया जा सकता है और ना ही अमान्य व्यवहार किया जा सकता है। युद्धबंदियों को लेकर जनता में उत्सुकता पैदा भी नहीं करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने वीडियो जारी कर नियमों का उल्लंघन कर चुका है। इसके साथ पर्याप्त खाने और पानी का इंतजाम करना उनके बंधक रखने वालों की जिम्मेदारी होगी। उन्हें वही मेडिकल सुविधाएं भी हासिल होगी जो भारत मुहैया करवाता है। पाकिस्तान को अब भारत की सैन्य कार्रवाई से डर लगने लगा है, क्योंकि भारत पाकिस्तान में आतंकवादियों को टारगेट किया था, पर पाकिस्तान की F-16 इंडियन आर्मी इंस्टॉलेशन पर हमला करने की मंशा से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद हमारी सरकार तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान को डर सताने लगा, क्योंकि अब पाकिस्तान जंग लड़ने के हालात में नहीं है। इसलिए अब पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहता है हम शांतिप्रिय देश है, इसलिए अभिनंदन जी को रिहा कर रहे हैं। अब देखना होगा हमारी सरकार का इस पर क्या रिएक्शन रहता है। अब आता हूँ F-16 के ऊपर। पाकिस्तान के आर्मी और इमरान खान कितना झूठा है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। दिन में बोले कि हम 2 MiG-21 को मारा है और 2 इंडियन पायलट पाकिस्तान के पास है। शाम को बोल रहे हैं कि नहीं, एक ही पायलट हमारे पास है। इतने बड़े पोस्ट में रह के भी झूठ बोल रहे हैं तो आप आम पाकिस्तानी नागरिकों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। मैं कल ही वीडियो में बता दिया था दूसरा जेट पाकिस्तान की F-16 ही है और पायलट भी उनकी है। तब पाकिस्तानी वालों ने बोला, तुझे कैसे पता, प्रूफ दिखाओ। अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। ये पाकिस्तानी F-16 की फोटो है। और सवाल आता है पाकिस्तान ने क्यों झूठ बोला, क्योंकि पाकिस्तान अपने आवाम को बताना चाहती थी, देखो हम भी 2 MiG-21 मार गिराया है। अगर पाक आर्मी सच बोलती कि हमारी F-16 को इंडिया की MiG-21 जैसा पुराना विमान ने मार गिराया है तो सोचिए कितना बेइज्जती होती। पर सच क्या है 24 घंटे के अंदर पता चल गया। और एक झूठ, DGI2 ने बोला था कि ऑपरेशन में JF-17 थंडर इस्तेमाल हुआ था ताकि अपने आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाए, और कहा जाए F-16 प्लेन क्रैश झूठा है क्योंकि हम तो JF-17 थंडर को इस्तेमाल कर रहे थे। पाकिस्तान के F-16 प्लेन को हमारा MiG-21 ने ही मार गिराया था, इसका और एक प्रूफ मैं दे रहा हूँ। आपको पता होगा F-16 अमेरिका का है। अमेरिका ने पाकिस्तान को जवाब मांगा है कैसे उसकी बिना इजाज़त F-16 को यूज किया गया।
अमेरिका का कहना है कि रूल के हिसाब से पाकिस्तान F-16 को अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर सकता है, ना ही अटैक के लिए। इससे आप जान सकते हो पाकिस्तान कितना झूठ बोलता है और कैसे अपने आवाम को बेवकूफ बना रही है। अपने ही प्लेन को इंडिया का बता के जनता को गुमराह कर रहा है। दोस्तों, अब कुछ दिन में सिर्फ इस टॉपिक रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। देखिए, मैं मेरे हिसाब से देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं तो आर्मी में नहीं हूँ, पर मेरी पास जो पावर है यूट्यूब चैनल, उसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान की झूठ को पर्दाफाश करूँगा। इस काम में मुझे आपकी भी मदद चाहिए। मेरी वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर करिए, ताकि ज़्यादा लोग देख सके और पाकिस्तान की झूठ के बारे में जान सके। दोस्तों।